टेक्निकल मैथ गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरुजी। टेक्निकल मैथ गुरुजी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको मैथ 1 का मॉडल आंसर बताया, आंसर की बताया, और इस वीडियो में हम मैथ 2 का मॉडल आंसर की आपको बताने वाले हैं और किस तरीके से इसको डाउनलोड किया जाता है वो भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोम या जो है यूसी ब्राउज़र में से कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यूसी ब्राउज़र यूज़ करता हूं, तो यूसी ब्राउज़र मैं ओपन कर लूँगा। तो ये यूसी ब्राउज़र आपके सामने ओपन हो गया, और ये जो यहां पर गूगल है, गूगल में आप टाइप करेंगे या गूगल आप खोल लेंगे, और आपको टाइप करना है ई बाल भारती। ई बाल भारती जैसे कि यहाँ पर आ गया है कीवर्ड ई बाल भारती, तो ई बाल भारती पर क्लिक कर देंगे तो ई बाल भारती की ऑफिशियल वेबसाइट की एक लिंक आपके सामने आ जाएगी, जो सब में ऊपर वाली लिंक है। तो ऊपर वाली लिंक के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये ई बाल भारती की वेबसाइट है और ये आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि इस वेबसाइट पर जो है तमाम जो बुक्स हैं PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमें जो है मैथमेटिक्स 2 का मॉडल आंसर की होना है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और हमें जो है इंग्लिश मीडियम की या सेमी इंग्लिश की जो है मैथमेटिक्स का मॉडल आंसर जो है डाउनलोड करना है मैथ 2 का। तो इस मॉडल आंसर को जो है डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स पार्ट 2। पिछले वीडियो में यहाँ पर मॉडल आंसर जो है इस टाइप से लिखा हुआ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर सेट इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, और मॉडल आंसर पर क्लिक करेंगे तो मॉडल आंसर डाउनलोड होगा। तो हमें मॉडल आंसर ही डाउनलोड करना है, तो मॉडल आंसर पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा, तो मैं इसे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा जो है मॉडल आंसर डाउनलोड हो गया, और इसे हम देखेंगे इंग्लिश मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री सेट 1, और इसको आप ओपन कर लें क्लिक करके। तो ये आपके सामने मॉडल आंसर नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये पूरा का पूरा जो है इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर की आप लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी के अंदर जो है आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे लेंथ ऑफ एरिया मालूम करना है, इसे आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉडल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। चेंज सिलेबस के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इसका पूरा का पूरा आइडिया स्टूडेंट को और टीचर्स को आने वाला है। तो ये वीडियो टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है, ये पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकंड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बी का थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यहाँ पर क्वेश्चन दिए नहीं गए हैं, क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में से ही रिफ़र करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। हम ज़्यादा देर तक जो है नहीं रुक सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है, तो हम आप इसको पॉज करके देखिए, हम बार बार आपको हिदायत दे रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर टू का बी भी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन का मॉडल आंसर। क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर टू में ज्योमेट्रिकल सेक्शन की एक फिगर दी गई थी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री कैपेसिटी ऑफ द टैंक मालूम करने का था, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का फार्मूला रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री का बी, क्वेश्चन नंबर थ्री का ए अभी हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री के बी का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री के बी का सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। टेंजेंट सेकंड थ्योरम का यूज कर किया गया। ये थर्ड क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी यूज करके टेन थीटा का वैल्यू मालूम किया गया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री आपने पूरा लिख लिया, हम आगे बढ़ेंगे वरना आप पॉज करके देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर, ये क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं मैं, रुक रहा हूं। चलिए इसके आगे का सोल्यूशन नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। असल में ये एक थ्योरम है, पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस का थ्योरम आपको यहां पर दिया गया था प्रूव करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड क्वेश्चन, यह है पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर इस तरफ, ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे थे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। पॉज करके आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर 9 मार्क्स के लिए रहता है। इस 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन करने के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर फोर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में कोई एक क्वेश्चन करना है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, ये पूरी की पूरी मॉडल आंसर की आपको हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का हुआ फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से लिया गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को सॉल्व करना है या 2 भी करते हैं तो बेटर होता है।
तो इस तरीके से ये मॉडल आंसर की ख़त्म होती है। जहाँ कहीं भी आपको आंसर की लिखना है, आप पॉज करके लिखें। स्टूडेंट से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और शेयर करना इस वजह से है कि अब एग्ज़ामिनेशंस बहुत नज़दीक हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि स्टूडेंट को हमारे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।